हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ओवरलैप जैकेट का पैटर्न निकालेंगे, जिसे हम अंगरखा स्टाइल बोलते हैं। तो उसका मैं आज पैटर्न निकाल के आपको बताऊंगा और ये कैसे कटेगा मैं आपको बहुत ही इजीली यानी आसानी से बताऊंगा इसमें कि ये कैसे कटता है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो नहीं जानते हैं, और काफ़ी जगह से रिक्वेस्ट भी है कि आप वो वाला कटिंग बताइए। तो मैं आज इसका पैटर्न निकाल के आपको बहुत ही इजीली समझाऊंगा इसमें, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि ये कैसे कहाँ से क्या निकलेगा। और इसमें दो तरह की जैकेट होती हैं, एक जो होती है जो लूज़ फिटिंग रहती है, उसमें डार्ट नहीं देते हैं, लेकिन इसमें हम डार्ट निकालेंगे, ये फिटिंग देंगे हम थोड़ा, और ये फिटिंग स्टाइल रखेंगे, क्योंकि आजकल लूजिंग बहुत कम आता है। अगर आप लूजिंग वाला काटना चाहते हैं तो मैं उसमें इसमें आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन जो फिटिंग वाला है हम आज फिटिंग वाला काटेंगे। तो जो मेज़रमेंट है आज आज का हम देख लेंगे, तो 35 इंच हमारा ओवर बस्ट है यानी ऊपर का चेस्ट, चेस्ट 36 इंच है, कमर 30 इंच है, शोल्डर 15 है, और आस्तीन का लेंथ 18 है, और जैकेट जो है उसका लेंथ 24 इंच है यानी 24 इंच है। ओवर बस्ट 35, चेस्ट 36, वेस्ट 30, शोल्डर 15 और स्लीव्स लेंथ 18, जैकेट 24, जैकेट लेंथ 24 इंच। ये हमारा आज का मेजरमेंट है, तो आज हम इसका इसी मेजरमेंट से जैकेट का पैटर्न निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो निशान लगाएंगे वो इस तरफ से निशान लगाएंगे, क्योंकि ये ओवर लेप रहेगा यानी चढ़ता हुआ रहेगा। तो हम पहले एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 5 इंची हम एक्स्ट्रा इधर निशान लगा देंगे, 5 इंची हम एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे, और इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम उधर बढ़ता हुआ काटेंगे। तो ये इतना कपड़ा अगर आप कपड़े पे बिठा करते हैं तो इतना फैब्रिक आपको छोड़ना, क्योंकि ये जो चढ़ता हुआ रहेगा इसके लिए हमको पहले ही इधर से इतना स्पेस देना है। उसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ भी आप निशान एक पतला सीधा निशान लगा लें, यह आसानी रहेगा आपके लिए। यहाँ का निशान लगाने के बाद सबसे पहले हम आर्मोल डीप करेंगे, यहाँ से हम आर्मोल डीप करेंगे। तो 36 है तो हम रखेंगे इसमें, अगर ये कुर्ता होता तो हम रखते 7.5, और ये क्योंकि जैकेट फिटिंग जैसा रहेगा ब्लाउज जैसा तो हम इसमें रखेंगे 7 इंच, और कमर का 14 इंच, और फुल लेंथ हमारा 24 है तो 24 पे लगा लेंगे। वही सेम निशान आप यहाँ भी लगा लें 7, और इसमें पैडेड रहेगा तो पैड का हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। यहाँ 9.5 इंच पे, क्योंकि इसमें हम डार्ट निकालेंगे। उसके बाद हम इन सब निशान को सीधा कर लेंगे, ये सब निशान को आप सीधा कर लीजिए ऐसे,
ये हमने स्ट्रेट लाइन सब खींच लिया है, अब हम शोल्डर कनेक्शन लगाएंगे। तो शोल्डर 15 इंची है, तो हम 15 का आधा 7.5 इंच लगाएंगे यहाँ भी, और इसको भी हम सीधा कर लेंगे ऐसा। उसके बाद हम डार्ट निकालेंगे इसमें से, तो हम 7 इंची गैप देंगे डार्ट में, तो 3.5 इंची लगाएंगे 7 का आधा, और यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगा लेंगे, क्योंकि हम डार्ट पूरा नीचे तक लगाएंगे। और इसको सीधा कर दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से डार्ट निकालेंगे। तो ये क्योंकि ब्लाउज की जो हम डार्ट निकालते हैं यहाँ से, तो ये यहाँ से ज़्यादा डार्ट निकालते हैं, क्योंकि ब्लाउज कमर में हमको प्रॉपर फिटिंग चाहिए रहता है, तो इसके लिए। लेकिन यहाँ से हम कम डार्ट निकालेंगे नॉर्मली, क्योंकि जैकेट थोड़ा लूज रहेगा, तो लूज फिटिंग हम रखेंगे इसमें। तो इसमें से हम निकालेंगे सिर्फ 1 इंच, टोटल 1.75 इंच निकालना है यहाँ से बस। उसके बाद हम आरमोल का भी डार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, लेकिन अगर डार्ट निकाल के काटेंगे तो उसकी फिटिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। तो हम डार्ट में, ब्लाउज में जब हम निकालते हैं डार्ट, तो 1.5 इंच निकालते हैं, इसमें निकालेंगे 1 इंच, 1 इंच निकालेंगे, और यहाँ से इतना छोड़ देंगे 1.5 इंच, और यहाँ से हम ये डार्ट निकाल लेंगे। यहाँ हम कम डार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम ये डार्ट से भी ये डार्ट निकालेंगे, और ये डार्ट हम पूरा सीधा ले जाएंगे यहाँ तक 1 इंच का, जो हमने 1 इंच निकाला है टोटल, ये डार्ट को आप सीधा रखें। ये पूरा उसके बाद हम चेस्ट कनेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ से हम पहले ही थोड़ा डार्ट निकाल लेंगे इतना, उसके बाद हम चेस्ट कनेक्शन लगाएंगे। तो चेस्ट है हमारा वो अपर चेस्ट 34 इंची है इसमें, तो हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे इसमें 3 इंच का, क्योंकि ये जैकेट है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे 3 इंच का। तो हम इसमें रखेंगे 40, एक्स्ट्रा लूजिंग देना आपको 4 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जैकेट है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं इसको। तो हमने इसमें इतना लूजिंग दिया है, टोटल 3 से 4 इंच। उसके बाद हम कमर नाप लेंगे, तो यहाँ से हम इतना डार्ट निकाल लेंगे, कमर है 30 इंच हमारा, तो कमर में हम थोड़ा सा फिटिंग रखेंगे हल्का, चेस्ट में थोड़ी लूजिंग है, उससे हम थोड़ा इसमें शेप देने के लिए, इसमें हमने 3 इंच जैसे रखा, तो यहाँ पे आपको 2 रखना है, इसमें यहाँ पे थोड़ा कम रखना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा शेप आएगा तो अच्छा लगता है। और हिप जो है हमारा वो है 40, यानी 40 इंच हमारा हिप है। तो ये क्योंकि ऊपर से आप अगर शोल्डर से आप अगर नापोगे बॉडी को, तो 24 इंच पे हिप आता है हमारा। तो यहाँ से हम इतना डार्ट निकाल लेंगे ये, फिर यहाँ रख के हिप है 40, तो इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे, इसमें हम 2-4 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा घेरा फिलर के साथ हम डाल देंगे। अगर आपको और भी घेरा चाहिए तो आप और भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम इन सब निशानों का सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये सीधा स्केल पट्टी रखते हैं आप, तो यहाँ का पोर्शन थोड़ा कम हो जाता है ये, तो अब ये थोड़ा यहाँ ऐसा राउंड पट्टी रखा करें ऐसा। उसके बाद हम यहाँ से इसको यहाँ मिला देंगे,
अब ये पॉइंट निकल गया हमारा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पॉइंट हो गया, तो ये स्केल पट्टी लेके आपको यहाँ से आप 3.5 इंच नाप लें, ये नेक है हमारा। तो यहाँ से हम जब सामने का बॉडी नापते हैं तो 24 है, तो ये शोल्डर से नेक के पास से यही 24 इंच हम यहाँ जब रखेंगे तो गुलाई आ जाएगा, तो ये इतना हमारा निकल जाएगा ये। तो हम यहाँ से इसको गुलाई कर देंगे ऐसा ये, क्योंकि नीचे हमारा बढ़ जाता है। अब हम इसका भी निशान लगा लेंगे, तो हम पहले इसको नापेंगे यहाँ से, ये कितना आ रहा है ये पॉइंट पर, ये 6.25 है, वही 6.25 इंच आपको यहाँ लगा देना, ठीक है। अब इसको हम ऐसा पकड़ेंगे डॉट को, और यहाँ बिठा के आपको इसमें मिला लेना, इसमें मिला लेना है आपको, इसको थोड़ा उठा लो। इसमें मिलाने के बाद हम आर्मोल का शेप देंगे, तो हम ये शेप पट्टी हमारे पास है, तो हम इसी से देंगे शेप, तो शोल्डर 15 इंची है, तो हम यहाँ रखेंगे 12.5 इंची और 13 इंची रखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से हम 1 इंची बैक की तरफ अंदर करेंगे, क्योंकि यहाँ अगर आप बाहर करते हैं तो आर्मोल से बाहर जाएगा आपका, इसके लिए यहाँ से आपको इतना निकालना रहता है, तो आप यहाँ से इतना निकालें और ऐसे रखें और इसको ऐसा शेप देते हैं। ये हमारा शोल्डर था, यहाँ से हमने इतना पीछे 1.25 इंच लगभग में पीछे की तरफ लिया है, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हमारा बॉडी से थोड़ा ऐसे जाता है, इसके लिए अगर आप इसको सेम काट सकते, अगर यहाँ से काट देते तो ये आर्मोल तो हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा बाहर जाता है, लेकिन ये कम को हमको फिटिंग बनाना है, तो यहाँ पर हमारा प्लेन रहेगा, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। अब हम लगाएंगे नेक का निशान, तो जो नेक है 7 इंची हम ब्रॉड रखेंगे उस, तो उसका आधा 7 का आधा 3.5 लगाएंगे, और ये डीप रहेगा हमारा 8 इंच, ये 8 इंची डीप रहेगा। उसके बाद हम यहाँ से 12 इंच नापेंगे, क्योंकि ये जो टाई होगा बांधने वाला, यहाँ से जो लेप आएगा वो 12 इंची 11.5 इंची से हमारा गुलाई देगा, तो ये सेंटर हो गया। अब इसका हम यहाँ से देखेंगे यहाँ कितना इंची आ रहा सेंटर से, ये जो हम ऐसा राउंड करके लाएंगे इसको, ये जो हम राउंड करेंगे तो ये पोर्शन हमको कहाँ रखना है, बहुत सारे को यहाँ सट के चाहिए रहता है, किसी को 2 इंची कम रहता है, किसी को 3 इंची चाहिए ज़्यादा, और कोई ज़्यादा पहनते हैं कोई कम पहनते हैं, किसी को एकदम साइड में चाहिए रहता है, ये अपने हिसाब से रखा जाता है। तो स्टाइल वो कैसा रहता है वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि आपको कौन से स्टाइल बोलती हैं, या तो उनको चाहिए यहाँ रहता है या यहाँ, उनको सेंटर से कितना आउट चाहिए, 4 इंची चाहिए 5 इंची चाहिए। तो जो हमने ये 5 इंच का लगाया है, तो जो मैं ये कस्टमर काटूँगा वो 5 इंच का काटूँगा, यानी 5 इंच हमारा ये बॉडी यहाँ से चढ़ेगा, यानी यहाँ से हमारा स्ट्रेट रहेगा। तो हमने ये 5 इंच लगाया था यहाँ एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ तक काटेंगे, तो ऊपर से हम यहाँ तक 11.5 इंच ये हमने ले लिया है। अब हम इसको गुलाई करेंगे, तो पहले आप ऐसा स्केल पट्टी रखें, यहाँ से ऐसा राउंड करके हल्का,
ये आपको बहुत ध्यान से लगाना है, ये गला भी देखना रहता है आपको, और क्योंकि ये जो चेस्ट है ये आप मापे तो ये 9.5 है और ये कम से कम 12 इंच तक हमारा चेस्ट आएगा। ये तो जो हम घुमाएंगे इसको, यानी ये जो बंधेगा हमारा यहाँ पे, तो ये इसके नीचे से आएगा ऐसा, यानी इसके नीचे से आएगा ऐसा घूमता हुआ, तो यहाँ से ये ऐसा घूमता हुआ ऐसा जाएगा, यहाँ बंधेगा और ये यहाँ स्ट्रेट रहेगा। तो ये चेस्ट के नीचे हमारा कितना आ रहा है, 12, तो यही 11.5 से हम यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से, तो यहाँ से आप 11.5 इंची यहाँ लगा लो, यहाँ, और यहाँ से आपको गुलाई देना है, यहाँ पे आपको गुलाई देना है। तो इससे हम मिला के रखें क्योंकि यही मिलते हुए आएगा। ऐसा उसके बाद हम इसको यहाँ से ये कर देंगे ऐसा, यहाँ से एक नेक हमारा इधर जाएगा जो अंदर की तरफ बंधेगा, और ये यहाँ से एक आके ये सीधा हमारा पूरा हो जाएगा ये यहाँ से। अगर आप डायरेक्ट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं ओवरलैप करके, तो आप ऐसे करते हैं तो ये क्या होता है कि ये आपके चेस्ट के ऊपर चला जाता है, तो ये चेस्ट के ऊपर चला जाता है तो क्या बांधने में यहाँ पे टाइम है, फिटिंग नहीं आती। और ये क्या है, जो हमने ये राउंड लिया है तो ये हमारे चेस्ट के अंदर से होते हुए यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे हम बांधेंगे, यहाँ पे हमारा डार्ट भी रहेगा, इधर भी डार्ट, क्योंकि ये सिंगल एक पार्ट है। जब हम इसको आधा करेंगे तो फैब्रिक पर रख कर काटेंगे तो उसको फोल्ड करेंगे तो उससे हमारा डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो दोनों तरफ हमारा डार्ट आ जाएगा। एक हमारे चेस्ट के नीचे से अंदर बंधेगा यहाँ डोरी, इसके सामने 11 इंची, यानी एक डोरी हम यहाँ अंदर की तरफ लगाएंगे 11 इंची के, तो ये जो दूसरा पार्ट रहेगा हमारे यहाँ से जो जाएगा गला, वो हम इसमें डोरी अंदर से बांधने वाला लगाएंगे, और ये जो ऊपर का जो हमारा रहेगा मेन, ये हम यहाँ पर लगा कर डोरी बांधेंगे। तो ये दोनों क्या है कि हमारे चेस्ट के नीचे से आएगा, जो हमारा राउंड बस्ट होता है वो बस्ट के नीचे से आकर ये बंधेगा, तो चेस्ट हमारा दिखेगा और वो फिटिंग, ये जो डार्ट हम निकाल लेंगे तो फिटिंग बराबर बैठ जाएगा, फिर आप नीचे से जाके इसको बांध दें तो फिटिंग आ जाएगा। और अगर आप ऐसा डार्ट नहीं निकालते हैं तो आप बगैर डार्ट वाला भी काट सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लूजिंग रहता है, वो यहाँ पे झोल आएगा और इधर भी झोल आएगा। और अगर आप इसमें से हल्का डार्ट निकालते हैं, जैसे एक एक हमने 2 इंची टोटल डार्ट निकाल दिया है, तो क्या है कि यहाँ का पोर्शन जो है आपका जो लूजपन है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आपका सिंगल बैठ जाएगा। आप यहाँ चाहे तो पीछे साइड में जितना चाहे लूजिंग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ का पोर्शन आपका प्रॉपरली बैठा रहेगा और आर्मोल भी आपका बैठ जाएगा। और ये जो हमने बताया है आपको, तो ये क्या है कि ये भी आपका ऐसा बैठ जाएगा, आप ऐसा ही इसका काटें। अगर आप ऐसे करके डायरेक्ट आप ऐसे लगा देंगे ऐसा, तो इसमें क्या होगा कि पहले तो नेक कम हो जाएगा अब डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे तो, लेकिन यहाँ से आपको सीधा यहाँ तक रखना है और यहाँ से आपको ऐसा शेप देना है, क्योंकि जो सेंटर होता है, सेंटर के ये जो हमारा चेस्ट है ये हमारा यहाँ चेस्ट रहेगा। अगर आप यहाँ से करते हैं तो चेस्ट के ऊपर आ जाएगा, अगर आप यहाँ से करते हैं गुलाई ऐसे तो ये चेस्ट के ऊपर आ जाएगा, लेकिन हमने जो नीचे से गुलाई किया है यानी 12 इंची से गुलाई किया है, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये 11.5 इंची, तो जो हमने ये गुलाई लिया है तो हमने यहाँ से गुलाई लिया ऐसा, आप देख लीजिए ये ऐसा गुलाई लिया ये, और ये हमारे चेस्ट के बाद में 5 इंची तक यहाँ तक रहेगा, यहाँ हमारा टाई हो जाएगा ये चेस्ट के नीचे से ये,
और ये इधर का भी रहेगा, तो आप देख लीजिए ये किधर चला जाएगा और इधर, तो ये चेस्ट हमारा यहाँ रहेगा, उसके नीचे से बांधा हुआ रहेगा, तो ये फिटिंग अच्छा बैठेगा। और अगर हम इसको सीधा काट देते ऐसा, डायरेक्ट सीधा काटते ऐसा, ये चेस्ट को ऊपर रहता, तो यहाँ पे का पोर्शन जो है हमारा खुलता, यहाँ का पोर्शन जो है हमारा खुलता और फिटिंग अच्छी नहीं दिखती है। और ये क्या है कि इससे आपकी फिटिंग इतनी बेहतरीन आएगी और नीचे हमारा घेरा भी रहेगा, क्योंकि घेरा हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया एक पार्ट में, और बैक में जो है इससे, तो ये लगभग 35 इंची ये है और 26 इंची वहाँ बैक रहेगा। और अगर आप यहाँ से कमर से अगर अलग करना चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं और इसमें घेरा और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ से काट दें इसको और यहाँ पे आप कोई भी घेरा अटैच कर सकते हैं, कली वाला काट सकते हैं, कोई भी काट सकते हैं, इसमें आप कली दे सकते हैं, इसमें बहुत सारा कली दे के आप उसमें इसको यहाँ से बॉडी काट लें, यह बॉडी आपका निकल गया। उसके बाद ये बॉडी को काटने के बाद ये आपका जो पोर्शन बचा, इसको जो है आप इसको डांट हटा दें, डांट अपना आपका यहीं तक रह जाएगा। जो ये नीचे की बॉडी जोड़ेंगे आप, तो इसमें आप कली कली का बहुत सारा घेरा देख के उसके बाद इसमें अटैच कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ तक। अटैच करने के बाद नीचे आपका घेरा हो जाएगा और ये बॉडी आपकी फिटिंग आ जाएगी। उसके बाद ये जो ये पूरा आपका नीचे यहाँ तक कटेगा ये, तो यहाँ तक आप पूरा घेरा डाल दें नीचे। उसके बाद ये जोड़ने के बाद आपको आराम से बैठ जाएगा ये, और ये इसमें आपका डार्ट भी निकल जाए। अब अगर आप चाहें कि और ब्लाउज भी ऐसी इसमें फिटिंग आ जाए, और रहता भी है बहुत सारे डिज़ाइनों में, क्योंकि इसमें कई तरह का रहता है, अंगरखा में लूजिंग भी पहनते हैं, फिटिंग भी पहनते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें आप अपने हिसाब से रखते हैं कैसा आपका डिज़ाइन है, उसमें लूजिंग वाला है, फिटिंग वाला है या ब्लाउज जैसा है। क्योंकि अंगरखा स्टाइल जो है ये ओवरलेप जैकेट होता है, इसमें कई तरह का होता है। तो इसमें जो मैं आपको बताया हूँ, तो ये आप ये ध्यान रखें कि ये यहाँ से राउंड बिल्कुल ना करें, चेस्ट के नीचे से राउंड करें, चेस्ट के नीचे से राउंड करेंगे आप, तो यहाँ से आपको इसका जो शेप बना है ये बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। हाँ, अगर किसी कस्टमर को भी चाहिए कि यहाँ से, बहुत सारे कहते हैं कि मुझे यहाँ से सिर्फ 2 इंची गैप चाहिए, तो आप जितना ये गैप है आप सेंटर नाप लें, तो ये 8 इंची है, तो इधर 8 इंची छोड़ेंगे हम, पहले एक मार्क लगाएंगे 8 इंच का इतना, उसके बाद जो है हम बॉडी का निशान लगाएंगे। और अगर किसी को 5 इंच चाहिए तो हम 5 छोड़ेंगे, किसी को 7 इंच चाहिए तो 7 छोड़ेंगे, अगर किसी को पूरा चाहिए यहाँ तक 1 इंच छोड़ना है, तो आप यहाँ से देख लें कि हमारी बॉडी का कमर कितना है, यहाँ का पोर्शन, उसके बाद हम यहाँ से इतना छोड़ के उसके बाद यहाँ इतना लगाएंगे। तो ये निशान हमारा लग गया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और एक चीज़ हमने शोल्डर हमने गिराया नहीं है, डाउन नहीं किया, तो उसको हम पहले माप कर लेंगे शोल्डर, ये शोल्डर कितना आ रहा है, तो आर्मोल हमारा कितना आ रहा है, तो ये हम इसको मापेंगे। तो 36 के साथ में हमको 17 या 18 इंची चाहिए रहता है, तो 18 इंची क्योंकि ये थोड़ी लूज़ है, जैकेट थोड़ा लूज़ है, तो हम इसको रखेंगे 8.5। और यहाँ से हम इसको डीप कर देंगे, यहाँ से हम शोल्डर गिराते हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। अगर आप इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप चाहें तो इसको कली वाला काट सकते हैं, यानी जोड़ने वाला, अगर नहीं अगर ऐसा कर सकते हैं तो यहाँ पे सिर्फ डाट मार सकते हैं, यहाँ तक डाट खत्म करके, लेकिन क्योंकि ये हम ये शोल्डर जो है इसमें अच्छा डार्ट ये प्रिंस कट उनको नहीं चाहिए, ये शोल्डर से हम निकाल देंगे इसको, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये डार्ट का सिंपली आपको इसका सेंटर ले लीजिए, ये डार्ट हमारा जो है आप इसका सेंटर ले लीजिए, कितना 4 इंच, तो 4 इंच का 2 इंच हम आधा कर लेंगे और ये निशान से हम 2 इंच यहाँ लगा लेंगे, बस ये हो गया। अब हम आर्मोल जब काटेंगे ना, तो ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसा काटेंगे हम, ये डार्ट नहीं निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं।
इसको अब हम पूरा निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब ये डार्ट है तो हमने इसको काट दिया है, अब हम यहाँ से नहीं ये डार्ट निकाल लेंगे। तो आप यहाँ से इसको पूरा निकाल दें और ये डार्ट को बस ये हो गया और ये डार्ट को हम चिपका देंगे। तो यहाँ के डाट हमारा शोल्डर से निकल गया, तो हम इसमें क्योंकि ये जैकेट होती है तो ये डिज़ाइन थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए सीधा ही रखते हैं हम शोल्डर से उसको निकालते हैं। तो डाट निकालने में आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ का डाट अगर आपको नहीं चाहिए तो बस यहाँ से आपको बंद कर देना है, यहाँ से सीधा निशान लगा लेना। तो जब ये डाट आप निशान यहाँ से लगाना तो यहाँ से आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से कैसे डाट निकलेगा। बस ये डाट को आप बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये सड़ जाएगा, बंद करेंगे तो ये खुद ही अपना यहाँ का डाट यहाँ निकल जाएगा खुद ब खुद, और नीचे का तो हमारा नीचे निकला ही है। तो ये पार्ट हम डबल काटेंगे, ये पार्ट को हम डबल काटेंगे और ये भी डबल कटेगा। तो हम जब इसे रखेंगे इसको फिर, और जो मैं आपको बता रहा था ये हमारा यहाँ से अलग से बॉडी है, यानी हमारा 14 इंच तक जो ब्लाउज़ का लेंथ रहता है 14 इंच का, तो ये 14 हमारा कमर है। अगर आपको ये यहाँ सपोज़ कि आपको ये नहीं लगाना है, इससे मुझे आपको और घेरा देना है, जैसे अनारकली जैसे आपको घेरा देना, बहुत सारा घेरा देना है और मुझे इसमें अनारकली लगाना है, तो आप इसको काट दें। मैं आपको बताता हूँ, आप इसको ऐसा काट दें, आप इसको काट दीजिए, ये आपका ब्लाउज हो गया। आप इसमें आपको जितना घेरा रखना है आप इसका लेंथ कर लें, उसके हिसाब से आपको जितना कली रखना है जो भी रखना है घेरा बना के इसका लेंथ लगा के आप इसमें ज्वाइन कर लें, ये यहाँ तक ज्वाइन कर लें, ये ओवरलैप हो जाएगा खुद ब खुद, ये खुद ब खुद आपको। और अगर आप 22 में कटना चाहते हैं तो 22 में भी लगा सकते हैं, आपको जैसा लगाना ऐसा। और अगर आपको प्लेन चाहिए सीधा, यानी जो नॉर्मली जैसा हमने काटा है ऐसा चाहिए तो आप ऐसा काट सकते हैं, इसमें कोई भी इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे है ये कैसा, आप हर तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपको 22 लगाना है तो आप यहाँ से काट दें, नहीं तो आप कली लगा सकते हैं, आपको जितना घेरा आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन भी रख सकते हैं, सिंपल सादा रख सकते हैं। मेन हमको यहाँ से देखना रहता है, यहाँ से बॉडी के बाद आपको जैसा रखना है आप काट के लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह का डिज़ाइन होता है आप वैसा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, हमने बहुत ही एक एक करके आपको बताया हूँ। और बैक हमारा सेम ही करता है, बैक में आपको कुछ टेंशन की कुछ अलग से नहीं रहेगा, इसलिए बैक मैं इस पार्ट में नहीं बताऊंगा आपको, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसमें। तो मेन हमारा फ्रंट होता है, इसलिए हमने फ्रंट बताया आपको, ये बैक तो आप नॉर्मली कैसे काट सकते हैं इसको, मेन हमारा फ्रंट में ही समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमने फ्रंट बताया आपको। तो शुक्रिया दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।